अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी थ्रेड चिकन। यहाँ पे मैंने तकरीबन 300 ग्राम बोनलेस चिकन के पीसेज लिए हैं। इसमें मैं 2 टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक और चिली पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ठीक है, चिकन को आपको क्यूब्स में कट करना है। और यहाँ पे अब मैं ऐड करूँगी इसमें रेड चिली सॉस, अब जाएगा इसमें सोया सॉस 1 टीस्पून जितना। आप जितने क्वांटिटी बना रहे हो उस हिसाब से आप चीज़ें ऐड कीजिएगा। ठीक है, अब जाएगा इसमें 1 टीस्पून पेपर पाउडर। अब डालूंगी इसमें मैं रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, और डालूंगी इसमें मैं सॉल्ट। अब इससे सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से मिला लेना है, सब कुछ अच्छे से मैरिनेट करना है। अब जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून जितना फूड कलर, ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। अब इसमें एक अंडा फोड़ देंगे हम और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब अच्छे से मिलाने के बाद अब आपके ऊपर है, आप इसे 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हो या ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसे अब मैरिनेशन करने के लिए आप रख दीजिएगा 2 घंटा या ओवरनाइट, आपको जैसे टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप इसे मैरिनेट होने दीजिएगा। ओवरनाइट मैरिनेट करोगे तो इसका टेस्ट और एनहांस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब आगे का मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए, नेक्स्ट डे मैंने इसे निकाल लिया था फ्रिज से 1 घंटा पहले। अब हम इसे स्क्यूअर्स में अरेंज करेंगे। तकरीबन 1 स्क्यूअर्स में हम 4 चिकन के पीसेज ऐड करेंगे, ज़्यादा हमें भरना नहीं है, ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो सके। इसी तरीके से सारे स्क्यूअर्स में हम चिकन को भर देंगे, कांडी में लगा देंगे चिकन को अच्छे से सारा प्रिपेयर करके। देखिए इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अब इसकी कोटिंग की तैयारी करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने समोसे की पट्टी जो होती है उसे बारीक बारीक काट लिया है कैंची से, और मैदे का आटा मिला लिया है मैंने। अब इसे अच्छे से एक मिक्स दे देंगे और चिकन के एक एक स्क्यूअर्स उठा के इस पर रखेंगे और इसे प्रेस करके दोनों साइड से हम इसे चिपकाएंगे, ताकि हमारा थ्रेड चिकन अच्छे से क्रिस्पी बने। पलट पलट के देखिए इस तरीके से प्रेस करके आपको इसे चिपकाना है, ताकि ये जो थ्रेड्स है समोसा पट्टी के अच्छे से इस पर चिपक जाए और हमारे थ्रेड चिकन की कोटिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। पलट पलट करके आपको सब तरफ से इसे प्रेस करना है, कहीं भी जगह बाकी ना रहे, कोटिंग अच्छे से होना चाहिए, उतरना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे स्क्यूअर्स अरेंज करने हैं थ्रेड चिकन के, देखिए इस तरीके से। अब इस स्टेज पे आप इन थ्रेड चिकन्स को जिप लॉक बैग में डाल के 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, 15 से 20 दिन में आप फिर इसे फ्राई कर सकते हो, 15 से 20 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये आप स्टोर प्रोसेस भी कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली फ्राई करना है तो आप शैलो फ्राई कीजिएगा थ्रेड चिकन को। एक बार ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको चिकन को कुक करना है, बिकॉज चिकन कच्चे है तो आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे कुक करना है। एक तरफ से आपको 2 से 3 मिनट कुक करना है, उसके बाद से पलट कर दूसरी तरफ से कुक करना है। देखिए इस तरीके से हमारा क्रिस्पी थ्रेड चिकन बनके तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसे सॉस के साथ सर्व कीजिए या मेयोनीज के साथ सर्व कीजिए। ठीक है, आप तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।